भारत वेस्ट इंडीज के बीच तीन T20 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। T20 सीरीज से पहले भारत टेस्ट सीरीज 2-0 और वनडे सीरीज 3-1 से जीत चुकी है, लेकिन जब बात T20 की होती है तो यहाँ विंडीज की टीम भारत पर भारी पड़ती रही है। भारत पिछले 4 सालों में विंडीज को T20 सीरीज में मात नहीं दे पाया है। दोनों के बीच अब तक कुल 8 मैच खेले गए, इनमें 5 विंडीज ने और 2 भारत ने जीते, 1 बेनतीजा रहा। पिछले 4 मुकाबलों में भारत 1 भी नहीं जीत सका है। विंडीज का सक्सेस रेट 71.42% है। वेस्ट इंडीज के हरफन मौला खिलाड़ी आंद्रे रसेल के भारत के खिलाफ T20 सीरीज में खेलने की अटकलें साफ हो गई हैं। वह सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। रसेल चोटिल होने के कारण T20 सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। वह अपने घुटने की चोट से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में 21 नवंबर को संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले T20 टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले भी रसेल का फिटनेस टेस्ट होगा। वनडे टीम में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए अंबाती रायडू ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। 33 वर्षीय रायडू ने अब तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला और अब भविष्य में वह टेस्ट मैच खेलेंगे भी नहीं। भारत के लिए उन्होंने 45 वनडे और 6 ट्वेंटी मैच खेले हैं। रायडू दरअसल अब छोटे प्रारूप वनडे और T20 पर ही अपना ध्यान लगाना चाहते हैं। प्रथम श्रेणी से संन्यास लेने का मतलब है कि वह अब रणजी ट्रॉफी और टेस्ट के लिए कभी उपलब्ध नहीं रहेंगे। पर्थ में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही 3 मैचों की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने 1-0 की बढ़त ले ली है। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 50 ओवर भी नहीं खेल सकी और 38.1 ओवरों में 152 रनों पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए नील काउंटर ने 34 और एलेक्स कैरी ने 32 रन बनाए। 153 रनों के आसान लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने 29.2 ओवरों में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक ने 47, पीजा हेंड्रिक्स ने 44 और एडन माकराम ने 36 रन बनाए। सीरीज का दूसरा मुकाबला 9 नवंबर को एडिलेड में खेला जाएगा। हीरो इंडियन सुपर लीग में मौजूदा चैंपियन चेन्नई एफसी की हार का सिलसिला नहीं थम रहा। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बेहतर खेलने के बाद भी चेन्नई के हिस्से हार ही आई और मुंबई सिटी एफसी ने मुकाबला 1-0 से जीत लिया। मुकाबले में मुंबई ने 20वें मिनट में गोल करते हुए 1-0 की बढ़त हासिल की थी और मैच के अंत तक यही स्कोर बना रहा। चेन्नई के घर पे यह लगातार 3री हार है। उसने अब तक 6 मैच खेले हैं, जिसमें 5 में उसे हार मिली है, 1 मैच ड्रॉ रहा। ड्रॉ से हासिल 1 अंक के साथ ही वह 10 टीमों की तालिका में अंतिम स्थान पर पहुंच गई। दूसरी ओर मुंबई की 6 मैचों में यह 3री जीत है। 10 अंकों के साथ यह टीम 5वें नंबर पर पहुंच गई है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।